अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको फ्री के अंदर आरडीपी बनाने का तरीका कार बताऊंगा कि आप किस तरह से जो है वो फ्री के अंदर आरडीपी जो है वो अपने लैपटॉप पर बना सकते हैं। दोस्तों लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आरडीपी बनाने का एक मेथड बताया था जिस पर मुझे बहुत सारे कमेंट्स हैं और काफ़ी लोगों ने मुझे ये कहा कि सर जो आपने तरीका कार बताया है उससे आरडीपी तो क्रिएट हो जाती है मगर उसमें मसला यह है कि उस आरडीपी की जो स्पीड है वो काफ़ी जो है वो कम है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो मेथड बताऊंगा और जिस मेथड से हम आरडीपी क्रिएट करेंगे उस मेथड के अंदर आपके इन क्वेश्चन का जवाब भी होगा और अगर आप इस मेथड से आरडीपी क्रिएट कर लेते हैं तो आपकी स्पीड का जो मसला है वो भी यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा और आप जितनी मर्जी जो है वो आरडीपी क्रिएट कर सकते हैं बिना पैसों के। ठीक है, आप एक रुपया लगाए बगैर आप जो है आप आरडीपी जो है यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो के अंदर जो मैं मेथड आपको बताऊंगा वो बिल्कुल ऑथेंटिक और यूनिक मेथड है। और दूसरा ये कि मैं आज जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ वो एक हफ्ते बाद यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि आपके भाई का थोड़ा सा जो है वो एक्सीडेंट हुआ था तो जिसकी वजह से वो बाजू के अंदर फ्रैक्चर आ गया तो जिसकी वजह से मैं वीडियो के अंदर बहुत सारा गैप आ गया और मैं वीडियो को अपलोड नहीं कर सका। ठीक है जी, तो जो लोग मेरे चैनल पर न्यू है वो मेरे चैनल को कर दें जी लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी जो है आरटीपी से रिलेटेड या अर्निंग से रिलेटेड जो वीडियो है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आपने गौर से देखना है जो मैं तरीकाकार बताऊंगा कि आरडीपी आपने किस तरह से क्रिएट करना है, इसी तरीके को फॉलो करते हुए आपने जो है वो आरडीपी क्रिएट करनी है। ठीक है, अगर आपसे आरडीपी क्रिएट हो जाती है तो आपने फिर भी मुझे कमेंट करके बताना कि सर आपका जो तरीकाकार है जो आपने मेथड बताया है वो मुकम्मल वर्क कर रहा है। अगर आप के पास आरडीपी क्रिएट नहीं हो रही फिर भी आपने मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछना है तो मैं आपको इसका सोल्यूशन बताऊंगा कि आप जो है वो आरडीपी आपकी जो है वो क्रिएट क्यों नहीं हो रही। ठीक है जी, सबसे पहले आपको मैं यहाँ पे ये बता दूं आपने क्या करना है जी, यहाँ पे गूगल क्रोम जो है आपने ओपन कर लेना है। यहाँ पे मैं आपको एक नोटपैड है इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आपने इस लिंक को जो है यहाँ पे ये नोटपैड की जो फाइल है वो यहाँ से डाउनलोड कर लेनी है। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आपको तीन लिंक दिए गए हैं, सबसे पहले आपने क्या करना है जी यहाँ पे जो फोर्थ वाला लिंक है आपने यहाँ पे इसको करना है जी यहाँ से कॉपी। ठीक है, कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद यहां पे आपने आना है जी अपने इस गूगल क्रोम के अंदर, आपने इस सर्च बार के अंदर आना है, आपने यहां पे आकर पेस्ट कर देना है और जैसे ही पेस्ट करना है उसके बाद आपने यहां पे इंटर करना है। तो इंटर करेंगे तो आपके सामने जो है एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ठीक है जी, उस वेबसाइट का नाम है जी nomachines.com। ठीक है, तो इसे ये वेबसाइट जैसे ही ओपन होगी तो यहां पर आपको डाउनलोड नाउ का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है जी, एक छोटी सी फाइल है आपने सिंपल इसको यहां पे डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही डाउनलोड नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो फाइल है वो यहां पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो मैंने यहां पर ऑलरेडी जो है वो फाइल डाउनलोड करके रखी हुई है, जस्ट मैंने आपको समझाने की खातिर कि जो है आप जो है वो इसको किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है जी, आपने यहाँ पे डाउनलोड करना है तो आपकी फाइल जो है वो यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। अब जैसे ही फाइल डाउनलोड हो जाती है तो आपके सामने जो फाइल है वो डेस्कटॉप पर इस तरह से नजर आएगी, यानी डाउनलोड हो जाएगी तो आपने इसको सिंपल इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल क्या करना है जी, जस्ट आपने नेक्स्ट करना है, एक्सेप्ट करना है, उसके बाद आपकी जो फाइल है वो यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगी। अब इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पे आपने वापस आना जी अपने उस नोटपैड के अंदर। अब इसके ऊपर एक जो है यहाँ पे जो थर्ड वाला लिंक है आपने ये एनजीरो का ये वाला इसको करना है यहाँ से कॉपी, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपने कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद आपने आना जी गूगल क्रोम में, इसको मैं न्यू टैब में ओपन कर लेता हूं, आपने इसको यहां पे आके पेस्ट कर लेना है। ठीक है जी, पेस्ट करना है और जैसे ही इंटर करेंगे तो अब आपके सामने जो है एनजीरो की वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाएगी। यहां पे आपने सिंपल क्या करना है जी, यहां पे लॉगिन है, अगर आपका अकाउंट जो है वो बना हुआ है तो आप यहां से लॉग इन कर लेंगे, अदरवाइज आप यहां पर साइन अप कर लेंगे। ठीक है जी, मैं यहां से सिंपल क्या कर लेता हूँ जी, साइन अप कर लेता हूँ। तो मैं जैसे ही साइन अप करता हूं तो साइन अप करने का तरीकाकार बिल्कुल आसान है, आपने जो है वो सिंपल जो है अपने गूगल से भी आप जो है वो साइन अप कर सकते हैं। ठीक है जी, मैं यहां पे क्या करता हूं जी, साइन अप विद गूगल करता हूं। तो सिंपल मैंने यहां पे साइन अप विद गूगल किया तो यहां पर मैंने ये ईमेल एड्रेस जो है वो अपना पिक कर लिया, इसके बाद आप यहां से कर लेंगे जी कंटिन्यू। और जैसे ही कंटिन्यू करेंगे तो अब आपकी जो है यहां पे आपने क्या करना है जी, क्रिएट इसको पहले क्या करना है जी, आई एक्सेप्ट पर क्लिक करना है, उसके बाद क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक कर लेना है। ठीक है जी, क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो ऐसे ही ईमेल से साइन अप करेंगे तो आपने यहां पे सिंपल इसको यहां पे स्किप कर लेना है। ठीक है जी, स्किप करने के बाद यहां पर आपने सिंपल जो है वो गॉट इट करना है और गॉट इट करने के बाद अब आपके सामने जो है वो एनजीरो का जो इंटरफेस है वो यहां पर ओपन हो जाएगा। ठीक है जी,
ये जो जो मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ आपने इन्हीं स्टेप को फॉलो करते जाना है, आपने इनमें से कोई फील नहीं करना, आपने जस्ट कंटिन्यू कर लेना है। ठीक है जी, अब कंटिन्यू करेंगे तो अब आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है जी, अब आपने सबसे पहले क्या करना है जी, ये वाला जो मैंने ये कहा था सॉफ्टवेयर ये डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपने जो एनजीरो के जो है वो अकाउंट यहाँ पे बना लेना है। उसके बाद आपने वापस आना है जी अपने उसी नोट पैड में, और यहाँ पर एक लिंक दिया गया है ये वाला ऊपर वाला। ठीक है जी, आपने सिंपल इसको क्या कर लेना है जी, कॉपी कर लेना है जी, वो पहला लिंक है, आपने करना है जी इसको यहाँ पे कॉपी। और कॉपी करने के बाद अब आपने न्यू टैब खोलना है, और न्यू टैब खोलने के बाद आपने यहाँ पे इस लिंक को कर देना है जी पेस्ट। जैसे पेस्ट करेंगे और इसको इंटर करेंगे तो अब आपके सामने जो है ये shell.cloud.google.com का जो है वो यहाँ पे इंटरफेस जो है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ये cloud.google.com की ये वाली वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाएगी। आपने इसको आई एग्री करना है, उसके बाद आपने यहाँ पे स्टार्ट क्लाउड शेल पर क्लिक कर देना है। ठीक है जी, अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा, थोड़ा सा टाइम लेने के बाद ये प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद अब आपके सामने जो इंटरफेस आएगा वो फिर मैं आपको नेक्स्ट यहाँ पे स्टेप करके बता देता हूँ। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो क्लाउड जो शेल मशीन है ये यहाँ पे लोड हो रही है, थोड़ा सा लोडिंग में टाइम यहाँ पे ले सकती है। यहाँ पे मशीन जो है वो यहाँ पे लोड हो चुके, आपने सिंपल यहाँ पे इसको गॉट इट करना है और यहाँ पे डबल क्लिक कर देना है, यहाँ पे ये वाला क्लिक, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब आएंगे आप वापस उस नोट पैड में। अब यहाँ पे जो थर्ड वाला लिंक है, ये वाला, ये सेकंड वाला लिंक, आपने इसको यहाँ से क्या कर लेना जी, कॉपी कर लेना है। और कॉपी करने के बाद आपने आना जी वापस इस मशीन के अंदर, तो आपने इसको आके यहाँ पे कंट्रोल वी करेंगे या यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, पेस्ट करने के बाद आपने यहाँ पे इंटर प्रेस कर देना है। अब जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे तो अब जो है एनजी रोज का जो है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे वो पूछ रहा है कि पेस्ट एनजी रो जो ऑथेंटिकेशन को टोकन है वो यहाँ पे आपने डालना है। ठीक है जी, तो अब आपने यहाँ पे क्या करना है जी, योर ऑथेंटिकेशन कोड यहाँ पे करेंगे जी आप क्लिक, और यहाँ पर ये वाला कोड जो है आपने कर लेना है जी कॉपी। और कॉपी करने के बाद यहाँ पे आना है जी वापस इस पे, और यहाँ पर आपने आके डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे। ठीक है जी, पेस्ट करेंगे तो पेस्ट करने के बाद आपने यहाँ पे इंटर प्रेस कर देना है। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा जो है वो टाइम लेगा। अब यहाँ पे वो यूनाइटेड स्टेट ये जितने भी रीजन्स हैं ये उसके नाम यहाँ पे बता देगा। ठीक है जी, यानी आप जो है किस कंट्री की जो है वो आरडीपी यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हैं। अगर आप यूएस की करना चाहते हैं तो यूएस हो गया, यूरोप की करना चाहते हैं यहाँ पे एशिया की हो गया, साउथ की हो गया, जापान है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, यानी आप जिस कंट्री की यहाँ पे आरडीपी क्रिएट करना चाहते हैं वो यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपल जो है वो यूएस सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मैं जितनी भी आरडीपी यहाँ पे क्रिएट करता हूँ या मैं लोगों को बना के देता हूँ या मैं खुद यूज़ करता हूँ तो वो मैं यूएसए की ही यूज़ करता हूँ। ठीक है जी, तो आपने यहाँ पे यूएस लिखना है, उसके बाद आपने यहाँ पे इंटर प्रेस कर देना है। अब जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे तो ये अब आपकी जो डाउनलोडिंग हो रहा है वो स्टार्ट हो जाएगी। ये थोड़ा सा टाइम लेगी, ज़्यादा भी टाइम नहीं लगेगी, ये ज़्यादा से ज़्यादा कोई 45 से 50 सेकंड हो गया या ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एक मिनट का टाइम लेगी। उसके बाद आपका ये वाला जो प्रोसेस है वो यहाँ पे कंप्लीट कर देगी। देखिए यहाँ पे सारा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुका है, अब यहाँ पे रनिंग है। अब यहाँ पे आपको ये जो सेकेंड जो चल रहे हैं यहाँ पे 43 है, 47 है, यहाँ पर आपको 43,000 यानी सेकेंड, यानी ये देख लें कि 12 घंटे के लिए ये आपको आरडीपी मिलेगी। आप 12 घंटे के अंदर आप इसके ऊपर जो भी वर्क करेंगे वो आप यहाँ पे इजीली कर सकते हैं और बिल्कुल स्पीड के साथ कर सकते हैं इस आरडीपी पर। उसके बाद अगर ये 12 घंटों के बाद जब ये एक्सपायर हो जाती है तो आपने यही प्रोसेस जो है नेक्स्ट जो है वो करना है, और फिर अगले जो है वो 12 घंटों के लिए आपने आरडीपी यहाँ पे क्रिएट कर लेनी है बिल्कुल इसी प्रोसेस पे। ठीक है जी, अब आपने इसका अगला प्रोसेस किस तरह से करना है, अब यहाँ पे एक आपको आईपी एड्रेस नजर आ रहा है, उसके बाद यहाँ पे ये नीचे वाला आईपी एड्रेस। ठीक है जी, आपने सिंपल क्या करना है जी, आपने आना है जी वापस इस सॉफ्टवेयर पर, यह सॉफ्टवेयर ये वाला। ठीक है, आपने सिंपल इस सॉफ्टवेयर पर डबल क्लिक करना है और इसको यहाँ पे ओपन कर लेना है। ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। मैंने यहाँ पे पहले जो है वो काशी के नाम से एक आरडीपी जो है वो क्रिएट की हुई है, तो अब मैं इसके अंदर एक न्यू आरडीपी जो है वो क्रिएट करना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे सिंपल क्या करना है जी, यहाँ पे ऐड पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे वो पूछेगा जी नेम, आपने यहाँ पे कोई भी नेम डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने टेस्ट वाला जो है वो एक नेम डाल देता हूँ। उसके बाद वो पूछेगा जी होस्ट, अब होस्ट आपने कहाँ पे डालनी है, तो ये वाला जो आपके पास कोड आया था ये वाला आईपी एड्रेस, तो आपने सिंपल ये इस आईपी एड्रेस को यहाँ पे
कॉपी कर लेना। आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। तो अब आपने आना जी वापस इस सॉफ्टवेयर में, तो आपने सिंपल ये यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अब पेस्ट करने के बाद यहाँ तक पेस्ट हो जाएगा, तो अब आपने क्या करना है जी, ये पॉइंट आपने गौर से देखना है, आपने इसको कर लेना है यहाँ पे सिलेक्ट। ठीक है जी, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपने क्या करना है जी, कट करना है, और इस पोर्ट के अंदर जो 4000 यहाँ पे लिखा हुआ है आपने इसको यहाँ पे कर देना है जी खत्म, और इस पोर्ट को यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है। ठीक है जी, यानी ये जो कोड मैंने यहाँ से कट किया था आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अब ये वाला जो थोड़ा सा ये नजर आ रहा है तो आपने इसको यहाँ पे खत्म कर देना है। खत्म करने के बाद अब यहाँ पर ये वाला जो प्रोसेस है आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे क्या कर लेना है जी, ऐड पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही ऐड पर क्लिक करेंगे तो अब आपकी RDP जो है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगी। यहाँ पे देखें आपकी जो है वो एक RDP जो टेस्ट के नाम से मैंने यहाँ पे बनाई है वो यहाँ पे ऐड हो चुकी है। अब आपने सिंपल करना क्या है जी, आपने इसको करना है जी डबल क्लिक। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे आपने सिंपल यहाँ पे ओके कर लेना है। ठीक है जी, अब ओके करेंगे तो अब वो पूछेगा जी आपसे यूजर नेम, उसके बाद है जी पासवर्ड। अब आप पासवर्ड और यूजर नेम आपको कहां से मिलेगा, आपने वापस जाना है उस मशीन के अंदर। तो यहां पे एक यूजर आपको नजर आ रहा है तो आपने इसको कर लेना है जी कॉपी। ये है आपका यूजर नेम, तो आपने यहां पे जी ये यूजर नेम डाल देना है। ये मैंने यूजर नेम डाल दिया, उसके बाद मैं यहां पे क्या करता हूं जी पासवर्ड। अब ये नीचे जो है वो पासवर्ड है, तो आपने ये वाला डाल देना है पासवर्ड, यानी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये वाला पासवर्ड आप यहाँ पे डाल देंगे तो आपने यहाँ पे ये वाला पासवर्ड भी पेस्ट कर देना है। ठीक है जी, अब ये वाला जो है मैं इसको सेव कर लेता हूँ। उसके बाद आपने सिंपल यहाँ पे कर लेना जी ओके। अब आपकी जो RDP है वो यहाँ पे जो है वो कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो आपने सिंपल इसको यहाँ पे कर लेना जी यस, और जैसे ही यस करेंगे तो अब आपकी जो RDP है जो वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। ठीक है जी, तो आपने सिंपल यहां पे क्या कर लेना है जी ओके करना है, इसके बाद ओके करना है, इसके बाद ओके करना है, और अब आपकी RDP जो है वो यहां पे कनेक्ट हो चुकी है। यहां पे देखिए अब आपके सामने जो है एक RDP है जो है वो VPS की जो एक विंडो है वो यहां पे आपके पास ओपन हो चुकी है। अब यहां पे आप जो है वो जो भी काम करना चाहते हैं, जिस मकसद के लिए आप RDP यूज करना चाहते हैं वो यहां पे आप कर सकते हैं। ठीक है जी, अगर आपको इसका इंटरफेस जो है वो थोड़ा सा जो बड़ा नजर आ रहा है तो आप इसकी यहां पे जो है वो सेटिंग भी यहां पे कर सकते हैं। ठीक है जी, आपने यहां पे जाना है जी, यहां पे विंडो पर क्लिक करेंगे तो डेस्कटॉप पर क्लिक कर देंगे। डेस्कटॉप पर क्लिक करेंगे तो अब आपने अपनी जो है वो मॉनिटर की जो है वो सेटिंग यहां पे करनी है, तो वो यहां पे आप कर सकते हैं। ठीक है जी, ये वाला क्लियर हो गया। अब यहाँ पे अब आपने जो है वो किस तरह से जो है अपना जो है वो गूगल ओपन करना है, यूट्यूब है, या कोई भी वेबसाइट आप ये यहाँ पे ओपन करेंगे वो किस तरह से करेंगे, तो आपने सिंपल यहाँ पे करना है जी राइट क्लिक। अब यहाँ पे देखिए स्पीड भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि स्पीड किस तरह से जो है वो मेरे पास वर्क कर रही है। ठीक है जी, आपने एप्लीकेशन के अंदर आना है, एप्लीकेशन के नीचे है यहाँ पे इंटरनेट। ठीक है जी, इंटरनेट में आना है, यहाँ पे है जी माइक्रोसॉफ्ट एज, यहाँ पे आपको एक ब्राउजर मिल जाएगा, तो आपने यहाँ पे सिंपल यहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक है जी, अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने जो है वो एक ब्राउजर जो है वो यहाँ पे लोड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जी कितना फास्टली जो है वो ब्राउजर जो है वो यहाँ पे लोड हो रहा है, तो आप किस तरह से जो है वो आप यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। ठीक है जी, एक्सेप्ट एंड स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे मैं इसको जी कंफर्म कर देता हूँ। और जैसे ही कंफर्म करता हूँ तो मैं यहाँ से जी अब ये थोड़ा सा ये डाटा है वो लोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा जैसे ही लोड होता है तो मैं आपको नेक्स्ट जो है इसके ऊपर ब्राउजिंग करके भी दिखाता हूँ कि आपने किस तरह से यहाँ पे वर्क करना है। दोस्तों यहाँ पे जो आपका ब्राउजर है वो यहाँ पे ओपन हो चुका है, तो मैं यहाँ पे सिंपल जो है वो गूगल लिख लेता हूँ और गूगल को सर्च करके देखता हूँ कि यहाँ पे जो है वो कितना टाइम लेता है ओपन करने में। तो मैंने यहां से सिंपल जो है वो गूगल पर क्लिक किया, और गूगल पर क्लिक किया तो यहां पे देखें कितनी फास्टली जो है वो मेरी RDP जो है वो वर्क कर रही है। तो दोस्तों आपने इसी तरह से RDP जो है वो क्रिएट करनी है, और जो मैंने मेथड बताए हैं आपने इन मेथड को फॉलो करना है, और आप RDP जो है वो 100% जो है वो आप यहाँ पे फ्री के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। आपको किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है, आप बिना पैसों के RDP क्रिएट कर सकते हैं, और आपने जो भी RDP के अंदर वर्क करना है, जो भी काम करना है, वो बिना पैसे के आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है जी, आई होप कि मेरा आइडिया और मेरी जो वीडियो है वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो लगी है जी अच्छी तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी इस तरह की जो न्यू आइडियाज हैं, न्यू अर्निंग से रिलेटेड वीडियो है, वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाजत दीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।